हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल वेब मास्टर के बारे में देखिए फ्रेंड्स गूगल वेब मास्टर एक ऐसी सर्विस है जो गूगल देता है वेबसाइट ऑनर्स के लिए वेब मास्टर्स के लिए यानि कि वो लोग जो वेबसाइट चला रहे हैं और वो चाहते हैं अपने वेबसाइट को मैनेज करना उनको इम्प्रूव करना गूगल उनको हेल्प करने के लिए ये एक सर्विस देता है जिसमें आप सीखते हैं अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करना कि आप अपने वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव करें कैसे उसकी स्पीड उसके इश्यूज़ को आप जाने और उसके बाद उस पर काम करके उसको इम्प्रूव करें और आप ग्रेट वेबसाइट बनाएं तो ये एक सर्विस है गूगल की तरफ से वेबसाइट ऑनर्स के लिए वेब मास्टर्स के लिए तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको यूज़ करें तो मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल वेब मास्टर के अकाउंट के अंदर यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ तो आप देखेंगे मुझे ये मेरे सामने एक वेबसाइट जो कि मेरा अकाउंट में मैंने बना के रखा हुआ है वहाँ मुझे दिख रही है यहाँ आप पाते हैं जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड और उसके साथ साथ आपको एनालिटिकल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जिससे आप यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट्स के इश्यूज़ को रिमूव करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे इसमें नया वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं तो मैं आ, आपको दिखाने जा रहा हूं आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर यहाँ मेरे पास वेबसाइट की लिस्ट आ रही है इस वेबसाइट की लिस्ट में आप पाएंगे कि नीचे आ रहा है एड प्रॉपर्टी जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ ऐड करने जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं आप डोमेन को ऐड करना चाहते हैं या आप एक यू आर एल प्रोपर्टी को ही यू आर एल प्रिफिक्स को ही ऐड करना चाहते हैं तो मैं अभी बोलता हूँ कि मुझे डोमेन को ऐड करना है तो उसके साथ साथ मेरे सारे यू आर एल प्रिफिक्स ऐड हो जाते हैं यानी कि एस टी टी पी विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ में सभी प्रिफिक्स मेरे ऐड हो जाते हैं डोमेन के साथ में तो यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो आप अपने डोमेन का नाम लिखते हैं तो आप डोमेन यहाँ ऐड हो जाता है और ऐड होने के साथ साथ आप को उसको वेरीफाई करना होता है आपको वेरीफाई करने के मेथड बताए जाते हैं आपको एक फाइल दी जाती है जो आपको अपने होस्टिंग के रूट में आपको रखनी होती है जिसे गूगल जब रीड करता है तो वो आपके डोमेन की ओनरशिप को आपसे वेरीफाई कर लेता है या वो आपसे बोलता है कि आप अपने फ्रंट लैंडिंग पेज जो आपका डोमेन का फर्स्ट पेज है आप उसके हेडर में डाल दीजिए वो मेटा टैग आपको वहाँ डालना होता है और आपकी ऑनरशिप उस तरीके से भी वेरीफाई होती है तो ये वेरीफिकेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं तरीके होते हैं आपको उनमें से जो भी पसंद है उससे आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका वेबसाइट यहाँ ऐड हो जाएगा ऐड होने के, के बाद आपको कुछ दिन वेट करना होता है जब तक गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और आपकी वेबसाइट का डेटा इकट्ठा करता है तब तक आपको वहाँ दिखेगा कि अभी आपके लिए डेटा नहीं है तो कुछ दिन के बाद जब डेटा आपको दिखने लगता है तो आप उसको पढ़ के उसके साथ एनालिसिस कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव किया जाए तो मैं सैंपल के लिए अपनी वेबसाइट का कुछ डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की रिपोर्ट आपको मिलती हैं तो आप देखेंगे मेरे डैशबोर्ड पर मुझे परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा मिलता है और साथ साथ मुझे मिलता है कवरेज कवरेज से रिलेटेड डेटा जिसमें आते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेजेस हैं जो कि गूगल ने क्रॉल कर रखे हैं कितने पेजेस हैं जिन पे एरर मिला है गूगल को क्रॉल करते समय कितने डुप्लीकेट यूआरएल उनको मिले इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो कि होते हैं एक वेबसाइट में वो आपको सारे नोटिफाई करे जाते हैं तो हम एक एक करके इसके अंदर जाएंगे और हम पढ़ेंगे कि किस तरह के इश्यूज हमें मिलते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिपोर्ट से जो कि है परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर मैं क्लिक करता हूँ ओपन रिपोर्ट तो मुझे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट के डिटेल पेज पर ले के जाते हैं जहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे गूगल सर्च में कितने क्लिक मिल रहे हैं कितने इम्प्रेशन मुझे अभी मिल रहे हैं उसके साथ साथ मुझे मिलता है एवरेज क्लिक थ्रू रेट जो कि मेरे सामने दिख रहा है साथ ही साथ मुझे दिखता है कि मेरी जो पोजीशन है मेरी जो वेबसाइट है वो सर्च में कौन सी एवरेज पोजीशन पे आ रही है यानी कि मेरे सारे पेजेस का सर्च रिजल्ट में जो दिखना है वो एवरेज उसका पोजीशन क्या है मैं क्या फर्स्ट पेज पे आता हूँ या सेकंड पेज पे आता हूँ या थर्ड पेज पे आता हूँ तो आप देखेंगे एवरेज पोजीशन आपको दिखती है आप इसमें से सेलेक्ट करके रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं कि ये आपका क्या स्टेटस है इस समय साथ ही साथ आपको क्वेरीज मिलती हैं यानी कि आप किस क्वेरीज़ के लिए सर्च में आ रहे हैं वहाँ आपको मिलता है कि हर क्वेरी के लिए आपको मिलेगा डेटा की आप कितने क्लिक पा रहे हैं उन क्वेरीज़ के लिए इम्प्रेशन आपको कितने मिल रहे हैं पर क्वेरी और आपकी उस क्वेरी के लिए क्या पोजिशन है तो इससे आप अपने वेबसाइट के कॉन्टेंट को एनालाइज कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं आप अगर समझते हैं कि कंटेंट सही रास्ते पे नहीं जा रहा है जो सर्च क्वेरी हैं वो मैं चाहता हूँ कुछ और लेकिन यहाँ तो कुछ और आ रहा है तो आप अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के थ्रू साथ ही साथ अब हम चलते हैं इसके साथ दूसरी रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं वापिस चलते हैं ओवरव्यू में जहाँ से हम डिक करेंगे कवरेज रिपोर्ट में तो कवरेज रिपोर्ट में अगर मैं डिक करता हूं तो मुझे मिलता है ओपन रिपोर्ट का सेक्शन जहां से मैं मुझे पता लगेगा कि कितने इश्यूज़ हैं मेरी वेबसाइट पर वो कितने पेजेस पे वो इश्यूज हैं किस तरह के इश्यूज हैं वैलिड पेजेस कितने दिख रहे हैं मेरी वेबसाइट पर और कितने पेजेस को गूगल ने एक्सक्लूड करा है अपने सर्च रिजल्ट में क्रॉल करने से और सर्च सर्च में अपने डेटा में इंक्लूड करने से तो ये सारा डेटा मुझे यहाँ मिलता है और अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको वो सारे पेजेस की डिटेल मिलेगी जो कि आप यहाँ देख पाएंगे कितने पेजेस जो हैं वो मेरे अभी क्रॉल हो चुके हैं पर अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं देखिए क्रॉल होने में और इंडेक्स होने में फ़र्क होता है आप समझ लीजिए कि क्रॉल होने का मतलब गूगल ने आपके पेजेस को पढ़ तो लिया है पर अभी उसको सर्च में दिखाना शुरू नहीं किया है इसके साथ साथ आपको मिलता है कि कितने पेजेस जो है डिस्कवर तो हो गए हैं पर अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं इसके साथ साथ आपको इश्यूज के बारे में भी बताया जाता है कि कितने ऐसे पेजेस हैं जहां पर क्रॉल में एनोमली उसको मिली है यानी कि वो पेजेस क्रॉल नहीं हो पा रहे थे या वहां कुछ इशू था वो इशू क्या है वो आप इस रिपोर्ट के अंदर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं जैसे मैं अगर आप चलूँ कि मैं एक पढ़ता हूँ एक्सक्लूडेड पेजेस की रिपोर्ट को यहाँ लिखा है क्रॉल एनोमली उसको मिली है वो सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन पेजेस में ऐसा इशू मुझे दिखा है तो मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ से मैं इन केस, इन पेजेस की डिटेल में जा सकता हूँ यहाँ से मैं उन पेजेस को विजिट करके या यहाँ से फर्दर क्लिक करके मैं रिपोर्ट को पढ़ सकता हूँ और उन पेजेस पे फर्दर अपने एंड पे काम कर सकता हूँ तो फ्रेंड्स गूगल आपको ये सब देता है आपको अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए गूगल का ये इनिशिएटिव इसलिए है कि आप अपने वेबसाइट को इम्प्रूव कीजिए ताकि ओवरऑल वेब जो है एक फास्टर एक्सपीरियंस बने यूज़र्स के लिए तो गूगल और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन पे काम करती हैं और चाहती हैं कि जो हमारा वेब है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है यूज़र्स के लिए अभी एक चीज़ और मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूँगा आप अपने पेजेस की स्पीड पे भी काम कर सकते हैं आप देखेंगे कि आप अगर इन्हांसमेंट करना चाहते हैं और गूगल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको बहुत से ऐसे टूल भी दिए जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की वो कितनी है आप अपनी मोबाइल यूजेबिलिटी पे काम कर सकते हैं यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कैसी दिखती है कैसा बिहेव कर रही है उसकी स्पीड क्या है तो ये सब आप टूल जो यहाँ दे रखे हैं आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे इन्हांसमेंट सेक्शन में आप उनको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक पेज एक सेक्शन में अंदर चलता हूं जो कि है स्पीड एक्सपेरिमेंटल जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ये मुझे दिखाते हैं कि क्या वो कौन से ऐसे पेजेस हैं जो मेरे लिए स्लो यूआरएल हैं तो मैं यहाँ से जान सकता हूं उन यूआरएल के बारे में अगर आप इस पे फर्दर ओपन रिपोर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा वो यूआरएल जो आपके लिए स्लो काम कर रहे हैं आप उनको वो, वो यू की लिस्ट यहाँ से मिल सकती है आप उन इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो गूगल इसे बोलता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि आपकी वेबसाइट यूज़र को जब फर्स्ट टाइम यूज़र उसको खोलता है तो वो कितनी जल्दी लोड होती है कितनी जल्दी उसके सामने आती है तो वो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट बोला जाता है और वो कितनी जल्दी दिखता है वो यूजली ये देखा जाए तो तीन सेकेंड से अगर कम में आपकी वेबसाइट का फो एफ सी पी यानी कि फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट डिस्प्ले हो जाता है तो उस वेबसाइट को अच्छा माना जाता है लेकिन ये गूगल में जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको अपना डेटा नहीं मिलेगा तो आप इस एक्सपेरिमेंटल टूल को यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट के साथ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं साथ ही साथ बाकी टूल को चेक करना मत भूलिएगा जैसे कि मोबाइल यूजबिलिटी का टूल है आपकी वेबसाइट में कितना अनपार्सिबल स्ट्रक्चर डेटा है वो सब आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट में इन्नासमेंट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का वीडियो गूगल वेब मास्टर के बारे में और गूगल ये जो टूल देता है इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी वेबसाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए और हम बात करते हैं इसके साथ एक नए वीडियो में और मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इससे मुझे आगे काम करने का हौसला मिलता है और आपको भी नए नए वीडियोस जल्द से जल्द मिलेंगे तो धन्यवाद दोस्तों